वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डीजा तुल एक्सप्लेन। तो आज हम बात करेंगे, आज हमारे पास है एक 2500 वाट में है डबल चैनल एम्पलीफायर है, तो इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। वीडियो में पूरा बने रहिए और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो है, तो आप वीडियो को बने रहिए, स्किप मत कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग आ गए, इसको अनबॉक्स करते हैं। ठीक है, अनबॉक्स कर लेते हैं सिंपली। इसको नॉर्मली जो अपना प्रोसेसिंग होता है, ठीक, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। जो पिछली वीडियोस हैं उनमें कमेंट काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं, सपोर्ट बहुत बढ़िया है। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए अपने छोटे भाई को। तो यहाँ पर हम अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है, इसको। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डुअल चैनल, जो मतलब 1200 वाट एक चैनल है इसका, तो टोटल इसको 2500 वाट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, और डीजे के लिए काफ़ी बेस्ट है। आप लोग चाहें तो इसे हम लोग प्राइस भी बताएंगे इसी वीडियो में, तो प्राइस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। वीडियो स्किप ना कीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 2 से 3 मिनट की है, और फुल टेस्टिंग भी होगी इसी वीडियो में, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, फुल लोड डाल के देखेंगे। एक चैनल पर आपको मैं आप दिखाऊँगा 1800 वाट, जो कि 1200 वाट का चैनल है, 1800 वाट डाल के दिखाऊँगा, लेकिन होना नहीं चाहिए इतना, तब भी मैं आपको ओवरलोड पर लेके जाऊँगा इस चैनल, इस एम्पलीफायर को, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली इसको पॉलिथीन में से निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा एम्पलीफायर जो है डीजे सीरीज यहाँ पर देखता है, ओके। तो बात कर लेते हैं इसकी स्पेस, मतलब जो भी है हमारा प्रोटेक का है ये एम्पलीफायर, ठीक है। तो इस तरीके से एक मिनट में आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल चैनल एम्पलीफायर है, जो कि प्रोटेक की तरफ से डीजे 2500, और यहाँ पर डीजे सीरीज, यहाँ पर डुअल चैनल जो भी है, फ़ैन लगे हुए होते हैं यहाँ पर एक साइड में, यहाँ पर सिंपली आगे की साइड में फ़ैन लगे होते हैं दो, मतलब जो आगे की साइड में जो है डस्ट वाला लगा होता है, बैक साइड में यहाँ पर दो फ़ैन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाएगा आपको। ये हो गया आपका लो का बटन, जिससे हमारी बेस बढ़ेगी, और ये हो गई हमारी मिड, और यहाँ पर हो गई नीचे हाई, जो कि ट्रैवल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और मेन वॉल्यूम चैनल ए, ठीक है, और यहाँ पर एम्पलीफायर ऑन और फॉल्ट और ऑन, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऑन का बटन भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ पर सिंपली क्या है, जैसे कि एक चैनल में आप इनपुट करते हो तो दूसरे चैनल में भी इनपुट हो जाती है यहाँ से डायरेक्टली, तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सेम दूसरे चैनल का भी यही है, सेम बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। लो मिड हाई मिल जाता है आपको देखने के लिए। अब आ जाते हैं इसके बैक चैनल पर, बैक पैनल पर। तो यहाँ पर हमारा इसका बैक पैनल, यहाँ पर एक फ़ैन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि, ठीक है, जो कि डीसी फ़ैन है आपका, और यहाँ पर दूसरा फ़ैन देखने को मिल जाएगा आपको डायरेक्टली, और यहाँ पर सिंगल इन, मतलब जो कि है आपके जे बैलेंस है, और यहाँ पर अनबैलेंस, नीचे अनबैलेंस के इनपुट देखने को मिल जा रही है, और वहाँ पर बैलेंस, और यहाँ पर चैनल आउटपुट देख सकते हैं आप, जो कि आपको मिल रहे हैं XLR के थ्रू, और यहाँ पर आपको टर्मिनल के थ्रू भी चैनल आउटपुट देखने को मिल जाएंगे अलग अलग। यहाँ पर 12 एम्पीयर का जो है 250 वोल्ट का फ्यूज लगा हुआ है। यहाँ पर आप न्यूट्रल जो है आपको देख सकते हैं, न्यूट्रल अलग से देना चाहें, जैसे कि कुछ लाइव साउंड चलाते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं आप, और जैसे कि कोई एम्पलीफायर में करंट वगैरह आएगा वो ज़मीन में चला जाएगा। यहाँ पर आपको Thank you.
हूँ।